हेलो स्टूडेंट, सुप्रभात। कक्षा 6 हिंदी ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका वेलकम्स करती हूँ स्टूडेंट। तो हमारी काव्य 5 वो हमने पूर्ण की, तो मैं आज आपको पाठ्य पुस्तक के रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वह करेंगे, और जो उसमें लिखने का है पाठ्य पुस्तक में वो उसमें लिखेंगे, और जो नहीं लिखने का है वो नोट में लिखना है, क्योंकि ये ग्रामर के रिलेटेड आपको पाठ्य पुस्तक में से नोट में लिखना रहेगा। तो आपको मैं जो बोलूँगी वो अवश्य उसमें लिखना रहेगा। तो स्टूडेंट, आप अपनी टेक्स्ट बुक और पेंसिल, अभी पेंसिल का उपयोग करिए, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर कुछ गलत लिखा जाएगा तो आप बिगाड़ सकते हो, ठीक है? तो गलती होगी तो आप बिगाड़ने में आसान रहेगा। तो पाठ्य पुस्तक और पेंसिल दोनों हाथ में रखिए, ठीक है? तो चलो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज हम देखें। तो इसमें प्रश्न एक है अभ्यास का, जिसमें लिखा है टेप रिकॉर्डर या सीडी के जरिए काव्य का श्रवण एवं समूह गान कीजिए। तो ये जो काव्य 5 है आप अपने सीडी में या तो टेप रिकॉर्डर में सुन सकते हो। श्रवण यानी सुनना, सब फ्रेंड्स के साथ समूह गान यानी ग्रुप में बैठकर उसका गान कर सकते हो यानी गा सकते हो। फिर प्रश्न 2 में ऐसा है, क्या होता बताइए। तो ये जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, अगर ये चीज़ नहीं है तो क्या होता है और क्या होगा। तो मैं आपको ओरली समझा रही हूँ, आपको नोट में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनकी चर्चा कर रही हूँ, आपको सिर्फ नॉलेज होना चाहिए। तो नंबर 1 में ऐसे लिखा है कि यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो, देखो अगर मोबाइल की खोज नहीं होती तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। मोबाइल पर हम अगर यदि मोबाइल की खोज नहीं होती तो संदेश देने के लिए हमें लैंडिंग फोन अथवा पीसीओ का फ़ोन का आधार रखना पड़ता। अगर मोबाइल नहीं होता तो हमारे घर पे जो लैंडलाइन का डिब्बा बोलते हो फ़ोन का वो होता है, और अगर पीसीओ यानी एसटीडी आपको जाना पड़ता है और वहाँ कॉल कर सकते हो। अगर मोबाइल की सुविधा है तो हमें पीसीओ का या तो लैंडिंग फ़ोन का उपयोग नहीं करना पड़ता। फ़ोन के आधार पर हम जहाँ होते हैं वहाँ चाहते वहाँ हम फ़ोन कर सकते हैं। अगर मोबाइल की सुविधा नहीं है तो आप किसके आधार पर रहते हो, एक तो है पीसीओ और दूसरा है लैंडिंग लाइन, इसीलिए अगर सुविधा नहीं होती तो हमें ये प्रॉब्लम्स होते। दूसरा है यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो यदि हम समय और शक्ति का सही उपयोग नहीं करते तो आज देश ने जो प्रगति की है वह नहीं होती। तो इसीलिए हम अगर समय और शक्ति का उपयोग नहीं करते तो हम प्रगति कर सकते नहीं है, जैसे कि आपके लिए भी लागू पड़ सकता है। 3 नंबर, यदि कंप्यूटर फैक्स एंड इंटरनेट आदि का आविष्कार नहीं हुआ तो, अगर ये सब भी नहीं होते तो यदि कंप्यूटर फैक्स इंटरनेट आदि साधनों का विकास नहीं होता तो हम जितनी तेज और सहज ढंग से प्रगति कर रहे हैं वह कभी हम संभव नहीं कर सकते हैं। कंप्यूटर इतना विज्ञान की ओर ले गया है हमें कि हम इसके बगैर अभी आगे नहीं जा सकते हैं और संभव भी नहीं है। तो ये 3 आपको बातें याद रखनी हैं। फिर प्रश्न 3, दिए गए उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्दों की रचना कीजिए। समान प्रास यानी कि एक जैसे कितने शब्द बनते हो वही, हम आगे भी सेम 1 में देख गए हैं, इसीलिए आपको आता ही है सबको। तो मैंने नंबर 1 में लिखा है नौकरानी, तो दूसरे शब्द बनाए हैं देवरानी, सेठानी, जेठानी, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखते जाइए मेरी तरह। नंबर 2 है आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, तार्किक। 3 नंबर, नायिका, गायिका, सेविका, लेखिका। फिर है 4, चुनाव, चढ़ाव, पड़ाव, तनाव। तो ये अभी आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिखोगे, उनके बाद की एक्सरसाइज देखें। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रश्न 3 है, टेक्स्ट बुक के रिलेटेड नंबर प्रश्न 3 है, जिसमें आपको शब्द का उपयोग करके वाक्य प्रयोग करना है।
तो मैं इन्हें ये वर्कबुक में से आपको लिखा रही हूँ, आप ये अपनी नोट में अवश्य लिखना है। तो नंबर एक है उपकरण, उनका वाक्य बनेगा आजकल बिजली के उपकरण महंगे हो गए हैं। दो, मोबाइल, मेरी दीदी ने नया मोबाइल खरीदा है। आप अपने विचार से वाक्य प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। तीन है कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर खेल खेलता हूँ। चार नंबर क्रांति, बिजली के आविष्कार से हमारे जीवन में क्रांति आ गई है। पांच नंबर खुशहाली, नई गाड़ी आने पर घर में खुशहाली छा गई। तो ये सारे आप नोटबुक में लिखोगे क्योंकि टेक्स्ट बुक में इनकी जगह नहीं है। अभी जो टेक्स्ट बुक में आपका प्रश्न जो वाक्य प्रयोग कीजिए उसके नीचे की एक्सरसाइज है नंबर चार, जो है चित्र देखकर अपनी कापी में वाक्य लिखिए। तो मैंने इसमें लिखे हैं कि कौन से चित्र में क्या करते हैं बच्चों। तो मैंने जो लिखा है इसी तरह आप अपने नोट में लिख सकते हो। तो पहले है लड़का पढ़ रहा है। नंबर दो में है मोर नाच रहा है। तीसरे नंबर के चित्र में है लड़की दौड़ रही है। चौथे नंबर के चित्र में है लड़का पानी पी रहा है। पांचवें नंबर के चित्र में है लड़का स्नान कर रहा है। छः नंबर में लड़का कूड़ेदान में केले के छिलके डाल रहा है। सात नंबर लड़का क्रिकेट खेल रहा है। आठ नंबर धोबी कपड़े धो रहा है। नौ नंबर लड़का बीमार लड़के को पहिए वाली कुर्सी पर बैठा कर ले जा रहा है। टेन नंबर बालक सो रहा है। ग्यारहवें नंबर पर है फेरी वाला साग सब्जी बेचने जा रहा है। बारहवें नंबर पर लड़का पौधों को पानी दे रहा है। स्टूडेंट टेक्स्ट बुक में ऐसे छोटे अक्षर से फिलअप करिए। उनके बाद की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक